मॉनसून सत्र में जारी गतिरोध के बीच लोकसभा में जहां गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सामान्य कामकाज हुआ, वहीं राज्यसभा फिर विपक्ष के हंगामे और शोर शराबे के बीच पूरी तरह ठप रही। लोकसभा में आज कांग्रेस समेत कुछ अन्य दलों की गैर मौजूदगी में सामान्य कामकाज हुआ। एनसीपी, लेफ्ट और आरजेडी ने जहां वॉकआउट किया, वहीं टीएमसी, जेडीयू आदि ने सदन का बहिष्कार किया। लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल में जहां तमाम जनमहत्व के मसलों पर चर्चा और सवाल जवाब हुआ, वहीं विदेश मंत्री और गृह मंत्री ने बयान दिए। इसके अलावा लोकसभा में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट संशोधन विधेयक भी पास हुआ। भाजपा सदस्यों ने कांग्रेस के 25 सदस्यों को निलंबित किए जाने को लेकर युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष पद पर हमला बोले जाने के खिलाफ सदन में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिस पर अध्यक्ष विचार कर रही हैं। भाजपा सदस्य किरीट सोमैया ने यह मामला उठाया तो संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने इसे विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के नोटिस विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने की अपील करते हुए अध्यक्ष से कहा कि वो इस मुद्दे को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लें, क्योंकि इसमें स्पीकर को एक संस्थान के रूप में निशाना बनाया गया है। यूथ कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस सदन की जो अध्यक्ष है, स्पीकर है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के खिलाफ प्रदर्शन करना, उनके बारे में इस प्रकार के वाक्य उद्गार करना, मैंने प्रिविलेज मोशन भी सबमिट किया है, आप मेरा प्रिविलेज मोशन एडमिट करें। आई डोंट थिंक दिस इज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम्स प्रोटेस्ट व्हाट एवर इट इज। इफ समबडी वांट टू प्रोटेस्ट देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट आल्सो। इफ दे हैव फ्रॉम द डे वन व्हाट दे हैव बीन डूइंग दैट्स नोन टू एवरीबॉडी। सो आई ओनली अपील टू द चेयर, डोंट टेक इट एज अ पर्सनल रेफरेंस मैम। It's a very serious thing. It should be referred to the privilege committee. Let the privilege committee go through it. वहीं राज्यसभा में सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण गुरुवार को भी गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। गुरुवार को भी प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया तथा सदन में कोई कामकाज नहीं हो पाया। हालांकि दोपहर 2 बजे हंगामे के बीच पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को चर्चा के लिए सदन में पेश किया। उधर एनडीए के 30 सांसदों ने चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर हंगामा मचाने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। कांग्रेस के लोग को सिर्फ हाउस डिस्टर्ब करना है, उनको हाउस चलाना है, हाउस की जो बिल्स है और बिल्स के ऊपर भी डिस्कस करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने आज एक लेटर चेयरमैन को रिक्वेस्ट करके दिया है कि जो लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं, उनके सामने एस पर रूल सम एक्शन लिया जाए। उधर 25 सदस्यों को लोकसभा से निलंबित किए जाने के खिलाफ सोनिया और राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में अन्य पार्टी सांसदों और कुछ अन्य दलों के नेताओं के साथ धरना दिया। अगर करप्शन हुआ है तो आप पहले इस्तीफा लीजिए, उसके बाद आप डिबेट करवाइए, और ये मांग जब तक नहीं मांगी जाएगी तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। पार्लियामेंट में हो या दोबारा सस्पेंड होकर बाहर जाना पड़े, चाहे सड़क पे जाना पड़े, चाहे देश के हर कोने में जाना पड़े, कांग्रेस इस आंदोलन को कंटिन्यू करेगी। कांग्रेस के हंगामे के बीच लोकसभा में भले ही कामकाज शुरू हो गया हो, लेकिन राज्यसभा ठप रहने से सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ डीडी न्यूज़।